अस्सलाम वालेकुम, अम्मी किचन के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। मैं अपनी पहली डिश एक मीठा आपके लिए पेश कर रही हूँ, जो एक नहायत ही आसान, मज़ेदार और इस मौसम के मुताबिक डिश है। इसका नाम है मैंगो डिलाइट। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 1 किलो दूध, 4 बड़े आम, 1 कप शक्कर, 6 चमचे मैंगो कस्टर्ड पाउडर और 1 टेट्रा पैक क्रीम का पैकेट। पहले हम एक बर्तन में दूध डालेंगे और उसको उबाल लेंगे अच्छी तरह। जब दूध उबल जाएगा तो उसके अंदर कस्टर्ड पाउडर में दूध या पानी डाल के उसको हम घोल लेंगे और फिर इसके अंदर मिलाएंगे। जब पक जाएगा अच्छी तरह तो फिर उसके अंदर हम शक्कर मिलाएंगे और उसको एक गाढ़ा सा कस्टर्ड बना लेंगे। अब ये दूध देखें अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर के अंदर हम पानी डाल के, ये अगर आप चाहें तो दूध डाल के इसको घोल लें अच्छी तरह। ये देखें कस्टर्ड खुल गया है अच्छी तरह। अब इसके अंदर दूध के अंदर हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और मुस्तकिल चमचा हिलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब ये देखें कस्टर्ड अच्छी तरह पक गया है। अब इसके अंदर हम शक्कर डाल देंगे। फिर शक्कर डाल के इतनी देर पकाएंगे कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसके अंदर और एक गाढ़ा सा कस्टर्ड तैयार हो जाए। ये देखें अब ऐसा गाढ़ा सा कस्टर्ड हो गया है। तो अब हम इसको अब ठंडा होने के लिए रख देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम बाकी अपनी चीज़ें तैयार कर लेंगे। अच्छा, अब हम आमों की कटिंग कर लेंगे। 2 आम को हम छील के और इनके क्यूब्स बना लेंगे और 2 आम को छील के उनके टुकड़े काट के ब्लेंडर में डाल के और उनको ब्लेंड कर लेंगे और उसका एक पेस्ट बना लेंगे गाढ़ा गाढ़ा। ये इस तरह हम छील रहे हैं और फिर इसके क्यूब्स काट लेंगे। इस तरह हम दोनों आमों के क्यूब काट लेंगे। इस तरह आम के टुकड़े काट लेंगे और फिर उनको ब्लेंडर में डाल देंगे और थोड़ी सी क्रीम तकरीबन 4 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर और फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, अब ये देखें कस्टर्ड इस शक्ल में हो जाना चाहिए गाढ़ा और ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको सेट कर रहे हैं। अब हम एक खुला डिश ले लेंगे, उसके अंदर पहले हम कस्टर्ड की तह लगाएंगे। अब इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे कस्टर्ड की तह लगा के, फिर हम क्रीम इसके ऊपर डाल के और इसको फैला लेंगे, एक तय क्रीम की लगा देंगे इसके ऊपर। इस तरह हम ये क्रीम फैला लेंगे, बाहर के किनारों से भी हमें नजर आए क्रीम लगी हुई और ऊपर भी फैल जाएगी। अच्छा, अब ये क्रीम की तय तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम मैंगो पेस्ट जो हमने बनाया है वो फैला देंगे। अब इसके ऊपर जो ये क्यूब हमने बना के रखे हैं उनको अच्छी तरह सेट कर देंगे। अभी बची हुई क्रीम को अच्छी तरह फेंट के
फेस के इसके ऊपर हम इसका डेकोरेशन कर देंगे। अब इसको आप आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रखें, जब ठंडा हो जाएगा तो खाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का लगेगा आपको और सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। अभी हमारा डिश बिल्कुल तैयार है, इसको ठंडा करिएगा, फिर इंशाल्लाह हम आइंदा मिलेंगे एक नई डिश के साथ।